इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले वेस्कोगेस्ट इंजेक्शंस के बारे में। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ करते हैं, कितने दिन यूज़ करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, तो वेस्कोगेस्ट इंजेक्शंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल भी वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन, जो कि हमारे पास एक इंजेक्शन है जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास इंजेक्शन है उसकी एमआरपी 12.90 यानी कि 12 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन को सनोफी इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमेट्स 20 mg इंजेक्शन इसके अंदर डाले गए हैं। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल यानी कि वेस्कोगेस्ट 20 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल मांसपेशियों में एटेंसी होने वाले दर्द और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में किया जाता है। ये पेट आंतों मूत्राशय और मूत्र नली की मांसपेशियों में होने वाले क्रैम्प से आराम दिलाती है। इसका इस्तेमाल इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के लक्षणों से आराम दिलाने में भी किया जाता है। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शंस किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स वेस्कोगेस्ट इंजेक्शंस। वेस्कोगेस्ट 20 mg इंजेक्शंस एंटी कोलिनर्जिक एजेंट नामक दवाइयों की श्रेणी से संबंध रखता है। ये पेट और गट आंत में मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है। ये मांसपेशियों में अचानक होने वाले संकुचन यानी कि स्पैज्म को रोकता है जिससे ऐंठन दर्द ब्लोटिंग और असुविधा से राहत मिलती है। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है धुंधली नजर होना, हार्ट गति का बढ़ना, मुंह में सूखापन होना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देगा, कृपया स्वयं उपयोग ना करें। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। वेस्कोगेस्ट इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था।